बिजनौर पुलिस इंस्पेक्टर के घर से रायफल व कीमती जेवरात चोरी होने के मामले में बिजनौर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल कर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जून महीने में बंद पड़े मकान में चोरों ने की चोरी कर इंस्पेक्टर की एक रायफल और लाखों के कीमती जेवरात चोरी किए थे, जिसकी वजह से पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। बिजनौर पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर भरत विहार कॉलोनी में छापा मारकर 4 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 तमंचे व लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। इंडिया टॉप न्यूज से संवाददाता मोहम्मद फुरकान मलिक, बिजनौर। मैं आपको बता दूं, माह जून में एक हमारे अभी वर्किंग इंस्पेक्टर हैं, वो यहीं उन्होंने घर बनाया है, उनके घर से इन लोगों ने चोरी किया था राइफल और उसके साथ उनकी एलईडी का ही सारा सामान जेवरात भी चोरी किए थे। तो इसमें जो हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम है, उसने काफ़ी मेहनत के बाद से थाना कोतवाली शहर की पुलिस के साथ इस घटना का अनावरण किया है और इनके पकड़े जाने के बाद से यह ज्ञात हुआ कि ये टोटल इनका 5 का गैंग है और इनमें से 4 हमने गिरफ्तार कर लिए। जो इनका गैंग लीडर है मलखान, वो भी गिरफ्तार हो गया है। ये मूलतः रहने वाला थाना हल्दौर क्षेत्र का है, लेकिन इस समय शहर कोतवाली के अंतर्गत ही रह रहे हैं। बाकी 3 साथी भी इसके कोतवाली क्षेत्र के हैं और इनसे जो रिकवरी हुई है वो अभी तक 5 जो चोरियां हुई हैं, इन्होंने चोरियां की हैं, बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। एक नजीबाबाद में और 4 कोतवाली शहर के अंतर्गत इन्होंने किया है, जिसका सारा माल ही बरामद है, लाखों के जेवरात हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो आपके राइफल है, इनके पास कट्टे भी मिले हैं, 3 कट्टे मिले हैं, 7-10 सोने की अंगूठी है, 2 सोने की चैन है, 6 पायल चांदी की है, 1 मंगलसूत्र है, 3 जोड़ी कुंडल सोने के हैं, 3 लाकेट सोने के हैं, 2 कटोरी चांदी की है, इसके साथ साथ 2 LED TV भी हैं। तो ये सारा सामान इनके पास से मिला है और ये काफ़ी लंबे समय से घटना करते रहे हैं और छोटी मोटी चोरियाँ इन्होंने बहुत सारी हैं, जो शायद संभवतः कुछ लिखी गई है कुछ नहीं लिखी गई है, तो उन सभी की तलाश की जा रही है और उनको लिंक किया जा रहा है। ये भी जो चोरियाँ हैं ये सब लिंक हैं, 5 मुकदमों से लिंक हैं ये जो अभियोग दर्ज हैं। बाकी भी चोरियाँ इनकी हैं कई सारी, जो अभी अनावरण होंगी इनसे पूछताछ के बाद से, तो कई सारे थाना क्षेत्रों में इनका क्रियाकलाप था। तो निश्चित रूप से कोतवाली शहर और जो हमारी क्राइम ब्रांच है उसका बहुत अच्छा इकार है और आने वाले समय में इनके पकड़े जाने से चोरियों पर काफ़ी कमी होगी और रोक लगेगी। साथ ही साथ इनको हम लोग गैंगस्टर के अंतर्गत भी नियुक्त करेंगे और गैंग भी इनका रजिस्टर होगा, क्योंकि इतना बड़ा गैंग है ये, इतने सारे इन्होंने घटनाएं की हैं कि इनका गैंग भी रजिस्टर कराया जाएगा।